मेरे विद्यार्थियों, होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन पाइथागोरस प्रमेय का जो पार्ट दो है इनके अंदर पढ़ेंगे। यानी कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए समकोण त्रिभुज का, उनमें से कोई भी एक भुजा का मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना दीजिए, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। ये मैंने बना दिया समकोण त्रिभुज, इनके सामने वाली भुजा ये हो गई करण, ये हो गई आधार और ये हो गई लंब, ठीक है। अब देखिए, लंब करण आधार तीनों भुजा हो गई। अब तीनों भुजा में से कोई भी एक भुजा का मान ज्ञात करना है तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज में करण 10 सेमी, करण यहाँ पर लिख दीजिए 10 सेमी, कितने 10 सेमी, तो आधार है 6 सेमी, आधार हो गया 6 सेमी, ठीक है 6 सेमी हो तो लंब ज्ञात कीजिए। अब लंब ज्ञात करना, अब मैंने आपको बताया था कि करण आधार और लंब आप इनको पहचान लो कि समकोण के सामने वाली भुजा हो गई करण, धरातल पर जो भुजा है वो होगी आधार और जो खड़ी भुजा है इनको अपन कहेंगे लंब, ठीक है। अब देखिए ज्ञात क्या करना है, लंब तो मैंने आपको लिखवाया था कि लंब ज्ञात करने का सूत्र क्या है, लंब स्क्वायर बराबर करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यह किसका सूत्र है, लंब स्क्वायर। लंब ज्ञात करना तो करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए लंब इनको वैसा का वैसा लिख दो क्योंकि ज्ञात करना है, ठीक है। लंब स्क्वायर बराबर करण कितना है 10, तो आप यहाँ लिखोगे 10 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 6, तो 6 का क्या करोगे स्क्वायर करोगे। लंब को वैसा का वैसा लिख दो क्योंकि याद करना है, बराबर 10 का स्क्वायर करोगे यानी 10 का 10 से गुणा करोगे, 10 का वर्ग करोगे तो कितने आ जाएंगे 100 आ गए, ठीक है ना। कोष्टक चला गया, वर्ग हो गया, 6 का वर्ग करोगे कितना आ गया 36 आ गया, यानी 6 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 36। अब देखिए लंब स्क्वायर बराबर 100 में से 36 के पीछे बच गए, सॉरी 64, ठीक है। अब देखिए लंब के ऊपर स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर बराबर के बाद में जाएगा तो अंडर रूट के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। तो लंब स्क्वायर सॉरी लंब बराबर 64 के ऊपर वर्ग अंडर रूट। अब अंडर रूट 64 का मान कितना होता है, अंडर रूट 64 का 8, क्योंकि अंडर रूट 64 का अपन अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट 64 का मान 8, यानी 8 का 8 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। यह वो अपने पाइथागोरस प्रमेय का एक क्वेश्चन, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। इस प्रकार से आप आधार ज्ञात करना है तो आप आधार का सूत्र लगा दीजिए, करण ज्ञात करना तो करण का सूत्र लगा दीजिए, और लंब ज्ञात करना है तो आप लंब का सूत्र लगा दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।